एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक तो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ नहीं देखिए वीडियो तो जाइए इस वीडियो को देखिए बहुत ही प्यारा वाला मेकअप लुक मैंने शेयर किया था और इस जूड़े का जो मैंने ट्यूटोरियल था वो आज शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने सोचा आज मैं इसको आप लोगों से शेयर करूँगी और डेप्थ में समझाऊंगी ठीक है जो ये जूड़ा आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ये बन जूड़ा बस तो जूड़ा ही बोलती हूँ मैं तो पंजाबी में तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और अगर आपने कोई सूट पहना है उसके साथ सुंदर लगने वाला है ये ना मैं बोलूँगी वर्सिटल जूड़ा है इफ़ यू आर वेयरिंग अ साड़ी और अ सूट तो अनारकली हर किसी के साथ चला जाएगा ऐसा बन है ये और बहुत ही सुंदर लगता है और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल बटन को भी कर देना जिसके साथ हर बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी हर वीडियो की चलिए अब हम बनाना इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पार्टीशन कर लेनी है सेंटर पार्टीशन करेंगे अगर आपको साइड करनी है तो आप साइड पार्टीशन भी कर सकते हैं बट मुझे ऐसा च, सेंटर पार्टीशन ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके साथ ना आपकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी लगती हैं चलिए सेंटर पार्टीशन कर ली है एंड यहाँ पे साइड से बालों को ट्विस्ट करेंगे ये तो यूजुअली आपने देखा ही होगा मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैं करती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला जो फ्रंट uh, जो हमने ये है हेयर स्टाइल जो ये फ्रंट सेटिंग जिसको हम बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़अल uh, है एंड काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है तो यहाँ पर मैंने पिनअप कर लिया है टिक टेक पिनस मैं, मैंने यूज़ किया है आप चाहे तो बॉबी पिज भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से मैंने सिक्योर कर लिया है और अब जो पीछे के बाल आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि थोड़े से मुझे दिख रहे थे साइड से वो इसलिए बिकॉज मैंने बैक मिरर नहीं लगाया था बट आप तो आ, मुझे तो कैमरा के सामने करना था थोड़ा सा मुझे हो रहा था बट आप मिरर के सामने बहुत ईजीली हो जाएगा ये विद इन फाइव मिनट्स पाँच मिनट से भी कम के समय में आपका ये जूड़ा बन रेडी हो जाएगा बन बन जाएगा आपका और दोनों साइड से जब हमने ट्विस्ट कर लेना है दोनों ही आपने बस इवन रखनी है और ट्विस्ट करके सिंपली पिनअप कर लेना है सो so, अभी पिनअप कर लिया है मेरे बाल एकदम से हो गए हैं टाए और यहाँ पे मैंने पीछे एक लो नेक के ऊपर पोनी बना लूँगी और ये ना लो जुड़ा है लो बन मतलब लो नेक जुड़ा है तो ये ना बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा लाइक लग... सिंपल एंड सफिस्टिकेटेड सा जुड़ा है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ से जो मेरे बाल उठे हुए थे ना तो मुझे यहाँ पे पता नहीं था तो मैंने बाद में सेट किए थे अब यहाँ पे आपको चाहिए ये डोनट बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट से नहीं है तो कोई पुरानी आपकी सॉक पड़ी होगी उसको काट के उसका फ्रंट पार्ट काट के आप इसकी सॉख का भी बना सकते हैं ट्विस्ट करके डोनट और डोनट को मैंने अब क्या है अपनी पोनी में लगा लिया है एज यू कैन सी अब डोनट को पोनी में लगा के पहले पोनी की फिर उसके ऊपर डोनट लगा लिया जैसे रबर बैंड लगाते हैं ठीक है अब डोनट को बस वहाँ पे लगा के जो पूरे बाल है ना सेंटर में से निकलते हैं हमारे तो उसको हमने स्प्रेड कर लेना है एज यू कैन सी बस स्प्रेड कर लेना है पूरे बाल आपके स्प्रेड हो जाने चाहिए अच्छे से अपने डोनट के आसपास जितने भी आपके इधर उधर पूरा आपके बाल जो सेंटर में से हमारी पोनी निकली है ना बस उसको हमने यहाँ पे स्प्रेड कर लेना है और यहाँ पे मैंने एक रबर बैंड लिया है ब्लैक कलर का सिंपल रबर बैंड जैसे आप मर्जी ले सकते हैं तो ये वाला रबर बैंड के साथ हमने क्या किया है उसको रबर बैंड को डोनट के ऊपर लगा देना है एज यू कैन सी तो अभी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी आपकी हालत रहेगी पहले अब बालों को एक साइड पर आपने इकट्ठा कर लेना है ठीक है जिस साइड पे आपको सेट करना चाहे उधर को कर लीजिए चाहे इधर को कर लीजिए अब यहाँ पे मैंने एक साइड पे बालों को इकट्ठा करके इनको भी ट्विस्ट कर लेना है बालों को अराउंड योर बन यू कैन सी बस ऐसे करके एक बॉबी पिन चाहिए आपको बस एक ही बॉबी पिन और इस इस वाले बन में ना आपको ऐसे बहुत ज़्यादा पिनस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस एक बॉबी पिन लगाइए एंड उसके बाद आपका ये बन बन के रेडी हो गया है अब इस बन के ऊपर थोड़ा सा टाइट कर लेना अपने बालों के साथ अब इस बन के ऊपर आप नेचुरल गजरा लगा सकते हैं आप फ्लावर्स लगा सकते हैं कोई भी हेयर असेसरी आपके पास जो भी है उसको लगा सकते हैं यू कैन सी बैक से मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ कितना नीट एंड क्लीन बना है और फाइव मिनट के भी मतलब पाँच मिनट से भी कम के टाइम में आपका ये बन बन के रेडी हो जाएगा बन बन के तो देख सकते हैं कितना क्लीन एंड नीट है ये बहुत ही ईजी है बनाना वैसे तो मार्केट से 20 या 25 रुपए का ये डोनट मिल जाएगा आपको और अगर इंस्टेंट बनाना है डोनट आपने तो आप एक पुरानी सॉक्स ले सकते हैं बस उसको आगे से काट दीजिए एंड उसको ट्विस्ट करके आपका बन बन के रेडी हो जाएगा और ये गजरा मैंने मार्केट से लिया था ये प्लास्टिक का है फ्रेश नहीं है आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं बट ये काफ़ी टाइम यूज़ हो, हो जाता है और इसके नीचे ये आपको धागा जो है ब्लैक कलर का ये इसी में आपको मिलता है जस्ट आपने क्या करना है एक बार आप देख लेना कि आपने अच्छे से आपके सेटल्ड हो गया है गजरा बैक मिरर में एंड उसके बाद इसको टाइटली आपने फिट कर लेना है गजरा लगाना तो बहुत आसान होता है किसी से भी लगवा सकते हैं अपने पति देव से लगवा लीजिएगा तो बस इसके अराउंड आप कोई भी हेयर एक्सेसरी लगा लीजिए गजरा लगा लीजिए तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा बहुत ही खूबसूरत ये हमारा जूड़ा रेडी हो चुका है और ऊपर से भी मैंने उसको ट्विस्ट करके टाई कर लिया है एंड दैट्स इट एक बार नीचे से फिर ऊपर से अब फिर से दोबारा से मैं नीचे को टाई कर लूँगी बस ये आप थोड़ा सा टाई कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगती है डोनेट बन के ऊपर पिंस लगाने की यू पिंस जो होती है जूड़ा पिन तो आप लगा सकते हैं अदरवाइज़ सिक्योर होता है बिल्कुल भी नहीं खुलता दस से बारह से बीस घंटे तक आपका जूड़ा ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक पहले रबर बैंड लगाई थी हमने एक हमने बाद में लगाई थी तो पूरा बन हमारा सिक्योर है ऊपर से हमने यहाँ पे गजरा लगा लिया अब जहाँ पे मैंने टैक पिंस लगाई हैं वहाँ पे आप दूसरी पिंस भी लगा सकते हैं ज़रूरी नहीं टैक पिंस लगानी है कोई आप असेसरी वाली पिंस भी लगा सकते हैं और अच्छे से पिनअप कर सकते हैं और इसमें हार्डली आपको पाँच पिंस में ही आपका हो जाएगा एंड कुछ लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा पिंस लगानी उनको अच्छी नहीं लगती या कुछ लोगों को हेडेक होनी शुरू हो जाती है तो उनके लिए भी ये बन बहुत ज़्यादा आई वुड से कन्वीनियंट रहेगा एंड आपकी बालों में हैवी नहीं लगता है और आपकी बाल ना चाहे हल्के भी है तो आपके डोनेट की वजह से हैवी जूड़ा बनेगा यू कैन सी कितना प्यारा बन बन के रेडी हो गया है सो so, अपना ड्रेसअप कर लीजिए आपका बन भी रेडी है अपनी साड़ी पहनी है या सूट पहनी है कुछ भी आप पहन लीजिए एंड यू आर गुड टू गो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारा हेल्पफुल रही होगी इफ़ यस दैन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर